कॉल नहीं, बहुत सारा काम बहुत जल्दी बहुत कम समय में कर सकते हैं। जैसे कि पहले का टाइम में अगर कोई लेटर भेजना होता और किसी के साथ कम्युनिकेशन करना होता, अगर वो दूर का हो तो उसको लेटर भेजना पड़ता था, जिसके लिए 2 दिन 3 दिन लग जाता था, कभी कभी लेटर पहुँचता भी नहीं था। मगर जब से ये मोबाइल स्मार्टफोन आया तब से विद इन अ सेकेंड हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेशन, किसी के साथ कुछ भेजना वीडियो बहुत जल्दी कर सकते हैं। एंड स्मार्टफोन ऐसा एक मल्टीपर्पज़ डिवाइस है जिसमें बहुत सारा काम बहुत जल्दी समय में हम लोग कर सकते हैं। स्मार्टफोन दिन ब दिन हम लोग को स्मार्ट बना रहा है। हम लोग को रियल लाइफ में हाइस्ट कितना फ्रेंड होते हैं, 100, 200, फिर भी हम लोग सबसे मिल नहीं पाते हैं। लेकिन जो स्मार्टफोन है उसमें जो आज के दुनिया में नया नया ऐप्स आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक, उसमें हम लोग का 1000 के नीचे किसी का फ्रेंड नहीं होता है और हम लोग सबके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं चैटिंग के द्वारा। कोई अगर बहुत दूर में हो, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अगर दूसरा कंटिनेंट में हो तो उसके साथ हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको लाइव भी देख सकते हैं वीडियो कॉल करके। तो इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ, मोबाइल इज वंडर ऑफ साइंस, ये साइंस का एक बहुत बड़ा खोज है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा अपोनेंट टीम ने जो कहा मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उसका खिलाफ में हूँ। जब 1877 में ग्राहम बेल ने जब एक छोटा सा टेलीफोन बनाया था उसको मैं ऑनर ऑफ साइंस मानता हूँ, क्योंकि उससे सिर्फ कॉली होता था। लेकिन 1973 में जब मार्किन कूपर ने मोबाइल लेकर आया, उस दिन से हम लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। जैसे देखिए, हम लोग इस दिन में जहाँ भी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, बल्कि सोने के टाइम हम लोग सर के पास मोबाइल रखते हैं, जिससे हम लोगों का बहुत कैंसर होता है। जैसे जब पॉकेट में रखते हैं तब स्किन कैंसर होता है, जब सर के पास रखते हैं तब ब्रेन कैंसर होता है, और जब हार्ट के पास रखते हैं तब हार्ट कैंसर होता है। और मेरा अपोनेंट टीम ने कहा कि इस मोबाइल से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जैसे पहला जमाने का आदमी जब कोई मैथ सॉल्व करना होता था तो वो लोग पेन और कॉपी लेके दौड़ता था मैथ सॉल्व करने के लिए, जिससे उन लोगों का ब्रेन तेज होता था, शार्प भी होता था। लेकिन जब से स्मार्टफोन आ गया हम लोग का हाथ में, उस दिन से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर में चला जाते हैं और हम लोगों का ब्रेन को हम लोग मैथ सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हम लोगों का ब्रेन दिन ब दिन भोता होने जा रहा है। और मेरा ओपन स्ट्रीम ने कहा कि इस चीज से सब कुछ होता है,